जाएंगे। उनको आग्रह और गुप्ता हम पंडित होटल से और ब्रेंच रूप पार गए थे, जो हम आए हैं सेंट्रल से, छावनी से, मीरपुर छावनी से आए हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ, 200 लोग आए हैं। हम उनके मतलब जुड़े हुए आदमी हैं, भाजपा के आदमी हैं। भाजपा से हाँ, क्या लगता है भाजपा ने आज जो वो हम उसके लिए कोई खर्चा पानी दिया था? खर्चा पानी दिया था, पेट्रोल का 100 रुपया दिया था और 100 रुपया खाने का दिया था। और इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई, इसके आगे व्यवस्था क्या करी गई थी? इसकी व्यवस्था वहाँ तो कुछ थी नहीं ऐसी कोई, वहाँ पे सभी अपने अपने हर क्षेत्र से आ रहे थे लोग। अध्यक्ष ने व्यवस्था करी थी कि मंत्री जी ने कराई थी? मंडल अध्यक्ष जी ने। कौन है मंडल? हमारे पंडित वो है संदीप मिश्रा। क्या लगता है कि आप लोग जो कानून की बातें करती हैं, कानून का पाठ पढ़ाती हैं, वहीं बिना हेलमेट के जा रही हैं, कई बाइकों में सती सवारी सड़क सुरक्षा के लिए कहा जाता है हेलमेट लगाना ज़रूरी है, और लगातार योगी जी ने भी अपील की कि हेलमेट लगा के ये बाइक रैली में, तो आप लोग बिना हेलमेट के निकाल रही हैं रैली, तो आज की रैली का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है उसका आज प्रकटीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पैठ है और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई है, तैयार है। उत्तर प्रदेश में हम 80 से 80 जीतेंगे और फिर से जो पहले बहुमत था उससे भी प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बनाई। आज पूरी तरह से जो बाइक रैली सुरक्षा के बिना हेलमेट के और पूरी तरह से जाम लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे? देखिए ये प्रशासन का काम है, हमने पहले ही उन्हें परमिशन मांग ली, बता दिया बाइक रैली निकालेंगे और केवल यही निकल रही, पूरे देश में निकल रही है, आज ही निकल रही है, एक ही दिन बिना हेलमेट के सभी नहीं, सब हेलमेट।